हेलो गाइस, द पेस ऑफ रनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हमारा सीट चल रहा है, आपने जो स्क्रीन पे यहाँ पे गाइस देख रहे हैं, जो कि हमारा सीट चल रहा है जिसमें हम जावा का थोटिकर का सीरीज लेके आए हैं। अगर आप यहाँ पे अगर चेक करें तो हमने जावा का थोटिकर का जो हमारा सीट चल रहा है, अभी तक जो हमारा क्वेश्चन हुआ है गाइस, अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो अभी तक हमने क्या किए, टोटल जो है 9 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमारा जावा का थ्योरिक, अगर हमारा द प्रेस ऑफ, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, आपको सर्च करना है द प्रेस ऑफ रनिंग, जिसमें एक आपका यूट्यूब मेरा प्लेलिस्ट होगा जावा थ्योरी बाय सुनील करके, वहाँ पे हमने जावा का जो थ्योरी प्लेसमेंट की क्वेश्चन को यहाँ पे अपलोड करते हैं। और अगर किसी को मॉक इंटरव्यू देना है गाइस, तो वो हमारा जो है चैनल, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, देन हमें आपको मैसेज करना है आई एम इंटरेस्टेड, देन मेरे टीम आपसे कनेक्ट करके आपका मॉक इंटरव्यू लेगा। ओके, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हम लोग बताए थे कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़े थे जिसका 3 टाइप होता था, इफ एस और स्विच पार्ट को हमने क्या किए थे, कंप्लीट किए थे, जो कि आप लोग अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सीरीज है गाइड, उसमें हम लोग लूप को लेके आए हैं, तो आई होप आपका आज की सीरीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 4 लूप, डू वाई लूप एंड वाई लूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना रेस्ट किए अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है कि लूप किसको बोला जाता है और इसका हमारे कोडिंग में क्या उपयोग है इसके बारे में। तो अगर डिफिनेशन की बात करें लूप का, तो यहाँ पे हमने जो डिफिनेशन लिखे हैं क्या है, सबसे पहला अगर डिफिनेशन की बात करें तो इन जावा ए लूप इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है गाइस, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक कोड रिप्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी कि एक ब्लॉक के, सपोज ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर में जो कोड लिखते हैं ये क्या होता है गाइज, रन होता है, ये कोड क्या होता है, रन होता है। सेकेंड अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, लूप आर यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस रिपीटेड टास्क, यानी कि ये एक टास्क को बार बार रिपीटेड कर, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि लूप क्या होता है, तो आपको सिंपल वे में बोलना है कि एक टास्क को रिपीटेड बार अगर आपको प्रिंट करवानी है, अगर एक चीज़ को 5 बार आपको प्रिंट करवानी है, देन आपको क्या करना पड़ेगा गाय, लूप का यूज करना पड़ेगा। अब हम इसका एक पैटकर करके, सपोज हमें क्या चाहिए कि हेलो वर्ड, एज फॉर एग्जाम्पल में अगर हमें क्या चाहिए, हेलो हेलो वर्ड चाहिए, ओके हेलो वर्ड हमें क्या चाहिए 5 बार प्रिंट करना हो, तो अगर हम कोई लूप नहीं लगाते तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बार हमें क्या करना पड़ेगा, हेलो सॉरी यहाँ पे होगा, हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए 5 बार हमें क्या करना पड़ेगा, एस ओ पी के अंदर में हमें 5 बार क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस ओ पी, यहाँ पे हमें क्या करते हैं गाइज, एक विदाउट लूप का यूज किए आपको कोड बताएंगे, देन लूप का यूज करके कोड बताएंगे, जिससे आपको इजीली वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हमारा कोडिंग में लूप का कितना महत्वपूर्ण है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इक्लिप्स की ओर चाहते हैं और एक विदाउट लूप का यूज किए हम सबसे पहले एक सिंपल जो है हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं, देन हम क्या करेंगे गाइज, आपको लूप का यूज करके प्रिंट करवाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इक्लिप्स की ओर चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले से जो गाइज है इक्लिप्स आईडी को हमने यहाँ पे अगर चेक करते हैं, तो पहले से हमने क्या किया गाइज, इक्लिप्स आईडी को हमने ओपन कर लिए हैं और इसमें हमने एक क्लास बना चुके हैं, जिसमें पहले से ही हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्यों लिखा जाता है, ये सारे हमने डीप में आपको बता चुके थे। तो अब क्या करते हैं, विदाउट लूप का यूज किए एक हम क्या करते हैं, 5 टाइम अगर हमें हेलो वर्ड को प्रिंट करना होगा, तो अगर हम कोई लूप यूज नहीं करेंगे तो कैसे प्रिंट करते, चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सिंपल इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइड सिस आउट के अंदर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 टाइम क्या लिखना पड़ेगा, हेलो वर्ड लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा गाइज, हेलो वर्ड कितना टाइम लिखना पड़ेगा गाइज, 5 टाइम अगर हमें प्रिंट करनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम इसको एक बार लिखे कॉपी किए, देन यहाँ पे क्या किए गाइज, यहाँ पे पेस्ट किए 2, 3, 4 और 5, इसको सेव करके एक बार रन कर देते हैं, रन पे जाएंगे, रन पे जाके, रन एज पे जाके
यहाँ पे क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा 5 टाइम तो रिपीट बार, अगर हमें 100 बार प्रिंट करनी पड़ेगी गाइज तो उस सिचुएशन में हमें 100 बार की कोड लिखना पड़ेगा, जो कि ये कोड थोड़ा सा रेंडी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए जावा ने एक फ्यूचर को रंच किया जिसका नाम है गाइज, उस फ्यूचर का नाम है लूप, जिसके अंदर आप या तो फोर लूप के अंदर में कर सकते हैं, वाई लूप से कर सकते हैं, या डू वाई लूप से करते हैं। एक हम लूप का यूज करके अभी जस्ट आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमें 5 टाइम ही एज फॉर एग्जांपल हमें 5 टाइम क्या करना है, प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोड को हमने रिमूव करते हैं। जैसे कि हम फोर लूप से यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इक्वल टू, स्टार्टिंग मेरा कहाँ से होना चाहिए गाइज, 1 से होना चाहिए, देन आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए, एंड आई क्या करना चाहिए, प्लस प्लस। अगर ऐसा होता है तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट में जाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, और यहाँ पे सिंपल हमने हेलो वर्ल्ड को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। एक बार सेव करके दोबारा से रन पे जाते हैं और रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन को जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक करेंगे हमारा अगेन कोड रन होगा। और यहाँ पे देखिए एक लाइन की कोड में हमें 5 बार, अगर हमें 100 बार करनी है, सपोज हमें 100 बार प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, सिंपल हमें यह क्या करेंगे 100 करके यहाँ पे सेव किए, अगेन हम रन किए, रन पे जाके रन एज पे जा पे जावा एप्लीकेशन को जैसे ही प्रिंट करेंगे यहाँ पे हमारा अगर चेक करते हैं तो 100 बार क्या होगा गाइज, यहाँ पे मेरा 100 बार ये प्रिंट होगा। अगर ये चेक करते हैं तो टोटल कितना बार रन होगा गाइज, 100 बार मेरा यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए तो ये रिपीटेड देखिए ये यहाँ पे ना कि 5 बार। तो ये कितना सिंपल है कि अगर कोई आपको रिपीटेड बार, यानी कि लूप का मतलब क्या होता है, अगर एक ही चीज़ को बार बार अगर आपको प्रिंट आउट करानी है तो देन हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी चीज़ को रिपीटेड बार अगर हमें प्रिंट आउट करानी है तो उस सिचुएशन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा गाइज, लूप का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में लूप का क्या मीनिंग होता है और हमारे कोडिंग में इसका क्यों उपयोग है। एक सिंपल वे में आपको बतानी है कि लूप का हमें अगर कोई एक चीज़ को बार बार रिपीटेड बार प्रिंट करानी है देन हम वहाँ पे क्या करेंगे गाइज, लूप का यूज करें। आई होप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, PPT और बातें, आपको लूप की नॉलेज हो चुके, अब बात करते हैं कि लूप कितने टाइप का होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द लूप, तो आपको सिंपल वे में बतानी है गाइज कि लूप जो होती है 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो होगा फोर लूप होगा, दूसरी जो होगी वाई लूप होगी, तीसरा मेरा क्या है डू वाई लूप। मैं हर एक चीज़ को बार बार आपको समझा देंगे, हर एक चीज़ को आपको। सबसे पहला चीज़ क्या होगा, लूप कितने प्रकार के होते हैं, टोटल आपको बतानी है कि अगर कोई पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ द लूप, तो आपको क्या बतानी है गाइज, 3 टाइप ऑफ लूप होता है। पहला आपको बताना है कौन सा, फोर लूप। सेकेंड आपको क्या बताना है, वाई लूप। और थर्ड मेरा डू वाई लूप। आपको क्लियर हो गया कि लूप कितने। अब हम क्या करते हैं, तीनों को बारी बारी से आपको समझाते हैं कि आखिर फोर लूप की क्या यूज हुआ, देन वाई लूप का हमें क्या यूज होता है, एंड डू वाई लूप का क्या यूज। तो सबसे पहला होता है फोर लूप। तो अगर फोर लूप की बात करें तो इसकी जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं, पहला जो अगर इसका सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिखते होंगे, जो कि यहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या दिखते हैं, यहाँ पे कुछ अजीब तरीका से लिखा हुआ आपको आता होगा कि फोर इंस्टाजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आपको ये अभी समझ में नहीं आता होगा कि ये इंस्टाजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। तो जो अभी हमने सिंपल एक कोड जो अभी आपको समझाए थे, सेम इस कोड पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस कोड में यहाँ पे क्या है गाइज, 4 int i = 0, i < 10 = 100, एंड i++। तो यहाँ पे अगर बात करें जो हमने अभी स्टेटमेंट में लिखे थे कि 4 इसके बाद इंसराइजेशन, इसके बाद यहाँ पे क्या था, इंसराइजेशन के बाद क्या था, कंडीशन था, कंडीशन, देन यहाँ पे क्या था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट था, ओके, देन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर में स्टेटमेंट लिखा जाता है गाइज। ये आपका फोर लूप का अभी आपने जो सेंटेंस देखे ये था। तो यहाँ पे इंसर्टेशन का मतलब हुआ कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यानी कि फोर लूप जो आप स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वैल्यू बताना पड़ेगा।
स्टार्टिंग वैल्यू आपको क्या बताना पड़ेगा गाइज, कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करते। कंडीशन का मतलब हुआ कि आपको इंड कहाँ पे कर रहे, यानी कि इंड वैल्यू यानी कि लास्ट वाले वैल्यू आपको कहाँ तक प्रिंट करन। ये इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पे तीन चीज जो यहाँ पे पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है गाइज की सबसे पहला जो है क्या है यहाँ पे इंसिडेशन। इसका मतलब होता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं स्टार्ट लूप को कहाँ से कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर हमें एक से लेके दस तक प्रिंट करनी है तो स्टार्ट हमें कहाँ से करनी है, इस्ट। तो इंसिडेशन का मतलब होता है स्टार्ट। अब कंडीशन का मतलब होता है कि आप इंड कहाँ तक कर रहे हैं, तो इंड हमें जैसे 10 पे करना है तो ये मेरा इंड वैल्यू होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि आपको जो प्रिंट करवानी है वो कैसे करवाती है, कंटिन्यू करवानी है या आपको पहले 10 से करवानी है, 9 करवानी है, 8 करवानी है, तो ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यानी कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। डिक्रीमेंट का मतलब होता है चार पहले प्रिंट कराना है, देन तीन, देन दो, दो एक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोर लूप का सेंटेंस। कि इंसिडेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कहाँ से आप प्रिंट करना स्टार्ट कर। कंडीशन का मतलब हुआ कि आप उसको कहाँ तक ले जाके प्रिंट करवाना है, उस कंडीशन को दीजिए। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का मतलब होता है आप उसको कहाँ से कितने वे में, यानी कि जैसे 1 to 10 यहाँ पे 1 to 4 हमें प्रिंट करवानी है, तो इंक्रीमेंट का मतलब पहले एक कराना ही दे, दूसरी बार फिर तीसरी बार चौथी बार, या फिर आप डिक्रीमेंट का मतलब पहले चार फिर तीन दो फिर एक। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि इसका सेंटेंस कैसे काम करता है। इंसिडेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में जो अभी आपको समझाए थे, तो आपको होप अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सारे चीज़ को हमने अगेन रिपीट करते हैं, अगेन आपको बताते हैं। ये जो मेरा पार्ट हुआ ये क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, इंसिडेशन हो गया। ओके, ये जो हमने कंडीशन लगाए थे गाइज की 1 से लेकर 100 तक प्रिंट होगा, ये मेरा क्या हो गया गाइज, कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गया। और ये जो हम आई प्लस प्लस सीखे थे ये इंक्रीमेंट होता है। अगर हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज करेंगे तो आई माइनस माइनस जो लिखते हैं ये मेरा क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर आपको फोर लूप का सेंटेंस? क्लियर? अगर कोई पूछे कि फोर लूप का सेंटेंस क्या होता है, तो फोर ओपन ब्रैकेट इंसिडेशन देन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्लोज ओपन ब्रैकेट स्टेटमेंट उसके अंदर में क्लोज। क्लियर हो गया गाइस? तो इस पे हम एक दो कोडिंग करते। तो सबसे पहला अगर कोडिंग करते तो इसको यहाँ से क्या करते गाइस, पूरी तो डिलीट करते हैं। और सबसे पहला अगर हम कोड करते हैं तो रिवर्स नंबर का एक कोड करते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल में अब आपको क्वेश्चन आता होगा कि रिवर्स नंबर सर किसको बोला जाता है, तो जैसे कि हम रिवर्स नंबर का कोडिंग करते हैं कि जैसे 1 2 3 ये क्या हो गया एक नंबर है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 3 2 1 ऐसा प्रिंट करेंगे। इनपुट में क्या देंगे, इनपुट मेरा क्या होगा 1 2 3। इनपुट में क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, मेरा इनपुट क्या होगा गाइज 1 2 3। आउटपुट हमें क्या चाहिए, आउटपुट हमें क्या चाहिए 3 2 1, यानी कि पहले 3 चाहिए देन 2 चाहिए फिर 1। तो इसके लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब आपको या नहीं तो इसके पहले सिंपल हम क्या करते हैं गाइज, एक प्रोग्राम बनाते हैं 1 से लेकर क्या करते हैं 10 तक प्रिंट करवा के आपको देते हैं। सबसे पहले एक सिंपल आपको कोडिंग बता देते हैं, देन ये सारे कोड आपको होता है कि 1 से 10 तक हमें जैसे कि 1 प्रिंट करानी है, 2 3 4 5 6 डॉट 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 और 10 तक प्रिंट करानी। तो यहाँ पे चलते हैं अगेन हम इक्लिप्स की ओर। ओके, इसको क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है गाइज, 1 से 10 तक प्रिंट करवानी है, तो इसके लिए आई एन का वैल्यू हमें कितना तक प्रिंट करवानी है, 10 तक। तो यहाँ एन का वैल्यू 10 दे दिए। अगेन हम क्या करेंगे, फोर रूप में जाएंगे, आपको क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखी जाए तो हमने अभी जो आपको बोले थे कि हमारा जो प्रिंट कैसे होगा गाइज, सबसे पहला क्या होगा 1 होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। यानी कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग ये हो गया मेरा स्टार्टिंग,
तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देना है, एंडिंग मेरा वैल्यू क्या है, कंडीशन को हमने क्या बोले एंडिंग, ये मेरा क्या हो गया एंडिंग वैल्यू हो गया। ओके, तो कंडीशन में मेरा क्या बोले हैं एंडिंग वैल्यू लगाने का। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जाएंगे स्टार्टिंग मेरा वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इक्वल टू जीरो, सॉरी आई इक्वल टू वन, वन से प्रिंट करेंगे। देन हमारा आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक प्रिंट होगा, कंडीशन मेरा है कंडीशन कहाँ तक प्रिंट होगा टेन का, और इंक्रीमेंट यानी कि एक के बाद मेरा क्या होना चाहिए गाइज, दो प्रिंट होना चाहिए, देन तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, दिस इज ए इंक्रीमेंट। ये क्या होता है इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट का, जैसे कि हमें नाइन टेन के बाद नाइन एट सेवन ऐसे प्रिंट करना होता था, दिस इज ए डिक्रीमेंट होता। तो आपको हमने जो यहाँ पे ये सारे चीज लिखे गाइज, आई होप आपको ये वाला चीज हमने जो अभी लॉजिक लगाए कि इंट आई क्यों वन दिए, आई रेस देन इक्वल टू टेन क्यों दिए, आई प्लस पे हमने क्या बोले, आपको कोई भी चीज़ जैसे जहाँ से स्टार्टिंग करना है वो इंक्रीमेंट वो इन सजेशन में दीजिए, आपको जहाँ तक जहाँ पे इंड करनी है वो क्या होता है कंडीशन होता है। कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या दिए, हमें दस तक प्रिंट करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं सिंपल इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट करेंगे, सिंपल यहाँ पे सिस आउट लिखेंगे, सिस आउट लिख के आई को प्रिंट करवा देंगे, किसको प्रिंट करवा देंगे आई को प्रिंट करवा देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रन पे जाके, रन एच पे जाके जावा एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा वन टू टेन तक यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो वन टू टेन तक यहाँ पे देखिए एक प्रिंट किया, दो प्रिंट किया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोर लूप का क्या यूज होता है गाइज, अच्छे से कि आपको क्या करनी है। स्टार्टिंग हमें कहाँ से था, हमने सिंपल वे में आपको क्या बताएं कि इंसर्जेशन का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन का मतलब एंडिंग वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको समझ में है। तो यहाँ पे देखिए ये काम कैसे करता है गाइज, सबसे पहला मेरा स्टार्टिंग वन दिया आई वन प्रिंट किया, देन यहाँ पे देखिए अगर आप बात करें कि ये सर आप कंडीशन तो आपने समझा दिए, बट ये एक्चुअल में कोड का फ्लो चार्ट कैसे काम करता है ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे आपको समझाते हैं। हम यहाँ पे क्या किया I का वैल्यू वन, यहाँ पे सबसे पहले वन प्रिंट कर दिया, ये वाला वन क्या क्या गाइज प्रिंट कर दिया, देन यहाँ पे आया कंडीशन, सबसे पहला चेक करेगा गाइज क्या कि कंडीशन चेक करेगा, देन यहाँ पे के चेक किया कि वन रेस देन इक्वल टू टेन है, कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, I की वैल्यू क्या हो गया I की वैल्यू, देन यहाँ पे आएगा I पहले वन था, यहाँ पे I की वैल्यू कितना था वन था, तो वन से कितना हो गया टू हो गया, देन यहाँ पे गया अगेन टू क्या किया प्रिंट कर दिया, सबसे पहले वन प्रिंट किया, देन यहाँ पे प्रिंट क्या किया गाइज, यहाँ पे प्रिंट पे जाते हैं तो वन से टू किया, देन दो गया, यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक किया कि दो ग्रेटर रेस देन इक्वल टू टेन है, हाँ सही है, तो इसके बाद आई क्या किया प्लस प्लस किया, तो इसके बाद क्या प्रिंट किया तीन प्रिंट किया, देन चार पे यहाँ पे गया, इस तरह जब टेन पे जाता है गाइज तो यहाँ पे देखता है टेन ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो ये लास्ट में मेरा टेन को प्रिंट कर दिया। अब आई का वैल्यू हो गया ग्यारह, ग्यारह रेस देन इक्वल टू टेन है नहीं, कंडीशन जैसे फोर्स होगा बाहर निकल जाएगा लूप मेरा, तो आपको समझ में आ गया कि काम कैसे करते हैं। ओके, तो आई होप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर नेक्स्ट कोडिंग की बात करें तो एक हम क्या करते हैं एक टेबल प्रिंट करने के लिए बताते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल में जस्ट अभी आपको हमने समझा देते हैं, टेबल का मतलब हुआ कि जैसे कि हमें फाइव का टेबल प्रिंट करना है, तो फाइव का टेबल क्या होता है फाइव मल्टीप्लिकेशन वन इक्वल टू फाइव, फाइव मल्टीप्लिकेशन टू इक्वल टू टेन, यानी कि फाइव मल्टीप्लिकेशन थ्री इक्वल टू फिफ्टीन, फाइव मल्टीप्लिकेशन फोर इक्वल टू ट्वेंटी, इस तरह से हमें क्या करना है फाइव मल्टीप्लिकेशन टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा पचास, ये हमें प्रिंट करना है। यानी कि हम यहाँ पे गाइज क्या देख रहे हैं फाइव जो मेरा है ये वैल्यू सब में क्या है फिक्स है, इसका वैल्यू क्या है फाइव क्या है फिक्स है, मेरा वैल्यू ये क्या है फिक्स है, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एफ बक्स सकेंड हम क्या देखते हैं वन से टू होता है थ्री होता है फोर होता है फाइव, यानी कि ये वाला वैल्यू बार बार क्या हो रहा है बढ़ रहा है, जो कि अभी हमने वन टू थ्री फोर फाइव को क्या किए थे प्रिंट, यानी कि आई की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा बार बार चेंज हो रहा है, तो बस हमें आई की वैल्यू चेंज करके प्रिंट करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि हमें यहाँ पे क्या है आई
ये 5 फिक्स है, तो यहाँ पे 5 को फिक्स कर देंगे, i का वैल्यू दे देंगे इक्वल टू यहाँ पे, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, एक n का वैल्यू लेना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन क्या किया i, i जो हमारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो रहा है, जो कि अभी प्रिंट किया था, सेम हमने क्या करेंगे, ये कंडीशन लॉजिक आपको समझ में आना होगा गाइज, कि हमने यहाँ पे लॉजिक कैसे लगा रहे हैं। ये चीज़ हो गया इक्वल टू, इसके बाद इक्वल टू मेरा कैसे हुआ कि यहाँ पे इक्वल टू कितना हो रहा है 5, यानी कि एक हम सम नाम का वेरिएबल ले देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक एन चाहिए, आई चाहिए और जिसमें स्टोर होके डेटा रहे, तीन चीज़ का हमें क्या चाहिए, यू चाहिए। तो चलते हैं कोड की ओर, तो इसको ही हमने क्या कहते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके अगेन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5 का टेबल चाहिए, इन एन इक्वल टू 5 मेरा क्या है, फिक्स है, ये दे दिए। देन हमें क्या चाहिए, एक में स्टोर करके चाहिए, तो यहाँ पे सम इक्वल टू पहले क्या कर चाहिए हमें, सम की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, हमें कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फोर लूप में जाएंगे, इसके बाद इंट स्टार्टिंग वैल्यू मेरा क्या है, आई की वैल्यू, यहाँ पे भी अगर आपको एक ही चीज़ रखनी है गाइज, जो हमने बोले हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, इसकी कलर को हम चेंज करके आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, एंडिंग वैल्यू मेरा क्या है, 10 है, स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू 10। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू 10, यानी कि कंडीशन मेरा क्या रहेगा, एंडिंग वैल्यू को क्या बोलते हैं, कंडीशन, लास्ट मेरा कितना जाएगा, 10 तक, स्टार्टिंग वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू को क्या बोलते हैं, I की वैल्यू, यानी कि I की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, कंडीशन में क्या लगाएंगे, 10, क्लियर। अब चलते हैं कोड की ओर, ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं, इंट I इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या किए, I इक्वल टू 1, सेमी कॉलम, I लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, कंडीशन लास्ट एंडिंग वैल्यू 10 तक, एंड I प्लस प्लस, क्लियर। यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इंट i इक्वल टू 1, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंड लास्ट वैल्यू मेरा क्या है, 10 तक हमें प्रिंट करना है, यानी कि कंडीशन i रेस टेन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, देन यहाँ पे ओपन कर दी ब्रैकेट कर देंगे। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइज, हमें क्या जो चीज़ प्रिंट करना है, यानी कि हमें पहले क्या करना है गाइज, जो चीज़ प्रिंट करना है, यानी कि सम इक्वल टू क्या करना है, n, n मल्टीप्लीकेशन i, n मल्टीप्लीकेशन i कर, राइट। देन यहाँ पे जाएंगे सिस्टम डॉट सिस आउट लिख के, यहाँ पे हमें क्या करना है कि n, यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, एक बार हम सम करके एक बार चेक कर देते हैं, पहले सिंपल हमने यहाँ पे कोड पे चेक कर देते हैं, देन आपको क्या करेंगे बताए, रन पे जाते हैं, रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, आ गया गाइज। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 आ गया है। सेकेंड हमें क्या चाहिए कि हमें इस टाइप का चाहिए, अगर हमें इस टाइप की कोडिंग चाहिए, यानी कि जो ये, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एन चाहिए, प्लस का साइन दीजिए, डबल कोड में क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखिए, देन यहाँ पे क्या लिखे हमने, प्लस लिखे, देन हमें चाहिए आई, अगेन आई दिए, देन यहाँ पे प्लस दिए, प्लस के बाद हमें क्या चाहिए, इक्वल टू ऑपरेटर चाहिए, यहाँ पे दिए इक्वल टू ऑपरेटर दिए, देन यहाँ पे प्लस देके जो हमारा सम था वो सम हमें दे दिए, ओके। देन एक बार सेव करके यहाँ पे रन पे जाएंगे, रन पे जाके रन एज पे जावा एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करते, अब देखिए मेरा आ गया सेम जो अभी हमने आपको बोले थे, सेम कंडीशन में आया, देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन 1, 5 मल्टीप्लिकेशन 2, 5 मल्टीप्लिकेशन 3, 5 मल्टीप्लिकेशन 4, यहाँ पे देखते हैं तो 10 तक आ चुका है। तो आपको जिस भी में ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रिंट द टेबल, एक टेबल आपको प्रिंट कर, तो आपको लॉजिक क्या करना है गाइस, सिंपल वे में समझना है, ये नहीं कि आपको हार्ड वे में लॉजिक को समझना है, आपको सिंपल वे में लॉजिक को समझना है कि लॉजिक कैसे काम करता है। आई होप आपको ये लॉजिक, अब क्या कहते हैं, एक सम डिजिट को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे कोडिंग, तीसरा हम कोडिंग बता रहे हैं, यानी कि इंटरव्यू में जितने भी कोडिंग पूछेंगे हम क्या करेंगे गाइज, आपको जिसमें यूज होगा सारे चीज़ हम यहाँ पे बता देंगे, ओके। अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है गाइज, और जिसमें जस्ट हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सारे चीज़ को डिलीट करते हैं,
यानी कि सम डिजिट, जैसे कि कोई यूजर हमें क्या किया कि थ्री दिया, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी कलर को चेंज करके रेड कलर को कर देते हैं गाइस, ओके, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या किया थ्री, यूजर क्या दिया थ्री, यानी कि थ्री का वन टू और थ्री होता है ये तीनों का सम, यानी कि वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी कि आउटपुट कितना आ गया इससे। अब हमें ये प्रिंट करना है कि कोई डिजिट है उसका टोटल सम कितना होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो अब ये चीज़ हमारा क्वेश्चन आता है कि सर ये वन टू थ्री है, इसको कैसे प्रिंट करेंगे हम। तो इसके लिए भी क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्या है स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, कंडीशन एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग मेरा क्या है वन, एंडिंग वैल्यू कितना होगा ये, यानी कि जो यूजर वैल्यू देगा वो मेरा कंडीशन में जाएगा, क्लियर। स्टार्टिंग मेरा कहाँ से होगा, जैसे कि हम सपोज फाइव दिए तो क्या करेगा वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि स्टार्टिंग ये मेरा क्या हो गया स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग ये क्या हो गया गाइज एंडिंग। हमने कितना आपको सिंपल वे में लॉजिक और एंडिंग को क्या बोलते हैं कंडीशन, आई होप आपको हमने समझा दिए एंडिंग को कंडीशन, स्टार्टिंग को इनिशियलाइजेशन आपको बताए हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा आई की वैल्यू वन और कंडीशन की वैल्यू फाइव, ओके। अब क्या कहते हैं हम इक्लिप्स की ओर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं गाइज, इसको यहाँ से अभी के लिए हमने यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं, और ये हमने वैल्यू को क्या कहते हैं यूजर के थ्रू देते हैं। आपको पता होगा कि यूजर के थ्रू लेने के लिए आपको स्कैनर का यूज करना पड़ेगा, तो स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैन। अब आपके पास एक क्वेश्चन बनता होगा गाइज कि स्कैनर क्या होता है गाइज, आप हम ये तो पहली बार आपने बता रहे हैं, इसके पहले तो आपने बताए नहीं है। तो स्कैनर अगर कोई यूजर के थ्रू इनपुट आपका, अगर मेरा वीडियो इनपुट आउटपुट का अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन माइंड में नहीं आते होंगे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इनपुट आउटपुट यानी कि ये स्कैनर क्यों लिए, यानी कि कोई यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए हमें क्या जावा ने बताया है कि आपको स्कैनर यूज करना पड़ेगा, और जैसे ही स्कैनर यूज करेंगे तो उसका यहाँ पे जो हमने पैकेज यूज किए ये पैकेज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब स्कैनर यूज का, अब यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गाइज सिस आउट कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे इंटर द नंबर, क्या देंगे इंटर द नंबर, ओके, यूजर के थ्रू हमने क्या बोले नंबर। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट एन इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन एक और आता होगा कि नेक्स्ट लाइन क्या होता है, तो यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन में प्रिंट करने के लिए अगर आप कोई इंटीजर में प्रिंट करते हैं तो नेक्स्ट इन, अगर आप कोई स्ट्रिंग में प्रिंट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन, अगर कोई आप फ्लोट में प्रिंट करते हैं तो नेक्स्ट फ्लोट, अगर कोई आप डबल में प्रिंट करते हैं तो नेक्स्ट डबल। आई होप क्लियर हो गया इतना। तो हमें इंटीजर वैल्यू है, हमने क्या दिया इंट एन, तो इसलिए हमने नेक्स्ट इंट दिए। अगर आप डबल में रहते हैं तो नेक्स्ट डबल आपको देना पड़ेगा, क्लियर, इतना आपको क्लियर। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम फोर लूप यूज करते हैं, ओके। स्टार्टिंग वैल्यू कितना है वन, यहाँ पे या दोबारा से हम इसको लाते हैं स्टार्टिंग वैल्यू वन, राइट, देन यहाँ पे सेमी कॉलम आई रेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा मेरा एंडिंग वैल्यू क्या है जो यूजर देगा, यानी कि यूजर जो भी देगा यहाँ पे जैसे फाइव था तो फाइव, यूजर जो देगा एन, देन आई प्लस प्लस यहाँ पे जाएगा ओपन कर्ली ब्रैकेट करेगा, देन हम इसको कहीं पे तो जैसे कि यहाँ पे हमने सिक्स इसको स्टोर करेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे गाइज इंट सम इक्वल टू जीरो, पहले से मेरा क्या है जीरो रहे, तो यहाँ पे जैसे कि हम क्या देंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, जस्ट अभी आपको हम समझा देते हैं जस्ट वन सेकेंड, देन यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाहर निकलेंगे सिस आउट करके सम को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ओके, एक बार रन कर देते हैं, देन आपको कोड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वेरी, आप टेंशन मत लीजिएगा गाइस, ओके। यहाँ पे जैसे ही सेव करते हैं इंटर यूजर के थ्रू नंबर मांगा, हमने सिंपल क्या दिए थ्री दिए, आउटपुट कितना आना चाहिए सिक्स, जस्ट मैजिक आंसर क्या आया सिक्स आ गया। अब ये काम कैसे किया गाइज अभी ये जस्ट हम यहाँ पे समझा देते, ओके। यहाँ पे जाके अगर चेक करते हैं गाइज, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किए,
आपको क्या बताए थे गाइज कि जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सम इक्वल टू क्या किए, सम प्लस क्या किए आई किए, सम प्लस आई किए, इसका कलर हमने क्या करते गाइज यहाँ पे चेंज कर सम प्लस आई दिए। तो यहाँ पे देखिए यानी कि सम का वैल्यू पहले कितना है जीरो, यानी कि जीरो प्लस आई का वैल्यू पहला क्या आएगा वन, तो मेरा क्या प्रिंट करके आया यहाँ पे वन आया। देन यहाँ पे गया चेक किया कंडीशन कि आई का वैल्यू मेरा कितना है वन, वन लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है, एन इक्वल टू कितना है थ्री, यानी कि यहाँ पे वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू हुआ, आई के वैल्यू टू किया, यहाँ पे गया सम में कितना पहले वन है, वन प्लस क्या कहे आई की वैल्यू दो, कितना प्रिंट किया तीन किया, ओके आई की वैल्यू मेरा कितना है, आई की वैल्यू मेरा कितना है टू, इसके बाद आई की वैल्यू कितना हुआ तीन, तीन में भी चेक किया तो तीन हाँ प्लस तीन इक्वल टू सिक्स, इसके बाद आई की वैल्यू कितना हुआ फोर, यहाँ पे देखा कि फोर यहाँ पे अगर चेक करता है फोर इज देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन मेरा फोर्स हुआ बाहर निकला और क्या किया प्रिंट कर दिया। तो आप एक बार ये इस कोड को हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, एक बार कोड को आप क्या कीजिए खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है गाइज की कैसे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा गाइज कि फोर लूप में काम कैसे करते हैं और आपको फोर लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि हमारा टारगेट है 101,000 लाइक को, उसको आप कंप्लीट कीजिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचता रहेगा। ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एक और हमको सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं गाइज नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फेवोनोनिक सीरीज, आपको आई होप ये पता होगा कि फेवोनोनिक सीरीज किसको बोला जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हम डिकेन में आपको क्या कहते हैं बता देते हैं कि फेवोनोनिक सीरीज किसको बोला जाता है। एज फॉर एग्जांपल पे कि जैसे कि हमें 10 फेवोनोनिक यानी कि पहला फेवोनोनिक सीरीज 0 हुआ, देन 1 अगेन क्या होता है 1 2, यानी कि इसको और इसको जोड़ के अगेन दूसरा, यानी कि 0 1 क्या होता है कॉमन होता है, देन 1 1 जोड़ के कितना हुआ 0 1 1, 1 और 1 जोड़ के 2 2, और यानी कि 1 और 2 जोड़ के कितना हुआ 3 एंड 3, और इसको इसके बाद जोड़ के कितना होगा 5 5 3 8, ऐसे क्या होता है रिपीटेड आपका क्या कहता है फेवोनोनिक सीरीज चलता है। तो हमें क्या क्वेश्चन बनाना है फेवोनोनिक सीरीज का, यानी कि सबसे पहला क्या प्रिंट करेगा 0 देन 1, यानी कि ये दोनों मेरा क्या है कॉमन है, तो सबसे पहले इसको अलग कर देंगे, यानी कि m1 में इसका वैल्यू 0 रख देते हैं, m1 में 0 रख देते हैं, एंड m2 में कितना रख देते हैं 1, ये क्लियर हो गया कि m1 m2 को क्या करते हैं प्रिंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं m1 एंड m2 को प्रिंट करके हटा देते हैं। ओके यहाँ पे क्या करते हैं लेट्स कोड में जाते हैं, और जो अभी हमने अभी आपको बताया इसको सिंपल से यहाँ पे करते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे m1 लिए इक्वल टू कितना 0 एंड कोमा दिए m2 कितना दिए m2 इक्वल टू 1, ओके m2 इक्वल टू 1, देन सेमी कॉलम यहाँ पे सिस आउट गए, सिस आउट जाके यहाँ पे m1 प्लस यहाँ पे दिए एक स्पेस हम क्या करते हैं गाइस दे देते हैं, देन प्लस करते हैं m2, ओके यहाँ पे सेव करके एक बार रन कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे जो एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे इसको डेटा टाइप नहीं बताए जिसके कारण जो है जावा क्या है कंफ्यूज हो चुका है, तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप अब रन पे जाके एक बार रन एच पे जावा एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो मेरा यहाँ पे देखते हैं तो 0 और 1 क्या किया प्रिंट कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया कि 0 1 यानी कि मेरा 0 1 की जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या बचा है गाइज 0 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं हमें जो प्रिंट करनी है गाइज कहाँ से करनी है 1 2 3 5 8 ... ओके यानी कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स अगर बात करें तो ये कितना हुआ, ये है 0 इंडेक्स पे, ये मेरा 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा कितना से प्रिंट करना है, ये मेरा इंडेक्स कितना से 2 से ... जहाँ तक जाएंगे। सपोज हमें 10 प्रिंट करना है, हमें 10 फेवोनोनिक सीरीज को प्रिंट करना है, यानी कि अब हम जो फोर लूप लगाएंगे फोर लूप का सेम जो हमने आपको बताया क्या स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि मेरा स्टार्टिंग आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 10 हमें लास्ट कहाँ तक प्रिंट, एंडिंग मेरा वैल्यू कितना है 10, यानी कि कंडीशन मेरा क्या लगेगा 10 तक। लॉजिक समझ में आया कि स्टार्टिंग वैल्यू कितना होगा मेरा फोर लूप का 2, एंडिंग वैल्यू मेरा क्या है 10, तो आपको ये समझ में आ गया कि एंडिंग वैल्यू 10।
जाते हैं फोर लूप की ओर, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं फोर लूप के अंदर में जाएंगे। मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, आई इक्वल टू कितना है गाइज, 2 है, सेमी कॉलम एन आई रेज़ 10 इक्वल टू कितना तक, 10 तक जाना है। देन आई क्या किए, प्लस प्लस कर दिए। देन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करना है। देन यहाँ पे देखिए गाइज, हम जस्ट अभी समझा देते हैं, M3 इक्वल टू क्या करेंगे, M1 प्लस M2। यहाँ पे आपके क्वेश्चन होगा सर ये M3 इक्वल टू M1 प्लस M3, यहाँ पे एंड और एक चीज़ क्या करते हैं, ब्रेवर जो हम M3 डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं M3, यहाँ पे एक ब्रेवर हमने डिक्लेयर किए M3, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, M3 यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो यहाँ पे सर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे अपने M1 इक्वल टू M3 इक्वल टू M1 प्लस M2 लिखे, जो कि हमारा दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि आपने ये चीज़ क्या लिखे है। यहाँ पे जो आपने M1 M3 इक्वल टू M2, यानी कि आपको हमने क्या किए बताया है कि फिबोनाची सीरीज क्या बनता है, जैसे कि मेरा क्या है, 0 है, 1 है, फिर अगेन 1 है, देन 2 है, 3 है, यानी कि ये और इसको जोड़ के ये बनता है, ये इसको जोड़ के ये, देन 2 यानी कि ये और ये जोड़ के नेक्स्ट वाला बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा ये M1 हुआ एंड ये M2, इसको जोड़ के तब ना M3 बनेगा, तो वहाँ पे इसी चीज़ को तो हम लिखे M3 को तो M1 प्लस M2, यानी कि मेरा तीसरा क्या बनेगा, M1 प्लस M2। इतना आपको समझ में आएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप समझाते हैं, इतना कोर्स समझ में आया। देन फोर लूप का स्टार्टिंग करेंगे, सॉरी फोर लूप यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टिंग है। देन यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, ये अब सीधा जाएंगे सिस आउट में लिख के, सिस आउट में जाके M3 को सबसे पहले एक स्पेस को हम प्रिंट करा देते हैं। देन प्लस करके M3 को क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे M3 को प्रिंट अब क्या करेंगे अगेन, तो हमारा बार बार क्या होगा, M1 या M2 क्या होगा, तो अपने स्वीप पड़े होंगे M1 इक्वल टू क्या करेंगे, M1 इक्वल टू M2 कर देंगे, देन M2 इक्वल टू M3। सिंपल हमने क्या, सॉरी यहाँ पे होगा M1 इक्वल टू M2, M1 इक्वल टू M2 कर दिए, सॉरी एक यहाँ पे क्या होगा M1 इक्वल टू M2, अगेन क्या होगा M2 इक्वल टू M3। यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, स्वीप करवा दिए। एक बार चेक कर देते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, रन पे जाके रहना चाहिए जावा एप्लीकेशन को। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आ गया, ये तो आउटपुट सही आया है, बट यहाँ पे क्या आया है, थोड़ा सा एरेन को हटा देते हैं, हमें एरेन में नहीं चाहिए, एक लाइन में हमें प्रिंट चाहिए। देन यहाँ पे सेव करके रन पे जाते हैं, रन एज पे जाके हमें 10 तक चाहिए, लास्ट इंडेक्स 1 4 10 चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें लास्ट चाहिए इंडेक्स कितना, 10 तक, हमें 0 इंडेक्स से स्टार्ट किए हैं, इसीलिए ये वाला क्या चाहिए गाइज, नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जाके जैसे ही इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि देखिए हमने सबसे पहले जो यहाँ पे अगर जाके देखते हैं यहाँ पे, ओके अगर यहाँ पे देखते हैं तो 0 1, ये तो फिक्स है गाइज कि 0 1 जो हमने यहाँ पे आपको प्रिंट करवाए हैं, 0 1 ये तो फिक्स है, 0 1 हमने कहाँ से प्रिंट करवाए, ये दोनों आपके लिए फिक्स है 0 1। अब 1 2 कैसे किए, इसको जोड़ के करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किए, सबसे पहला मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कितना था, 2 से हो रहा है, एंडिंग इंडेक्स कितना है, 10 तक हमें प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मेरा एंडिंग और आई क्या हो गया, प्लस प्लस। देन यहाँ पे हमने क्या किया गाइज कि यहाँ पे M3 इक्वल टू M1 प्लस M2 कर दिए। इतना आपको समझ में आ गया, देन ये प्रिंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन और गाइज इंटरव्यू में पूछता है कि फैक्टोरियल, यानी कि कोई फैक्टोरियल है उसकी आपको क्या कहते हैं, कोडिंग पूछते हैं। क्वेश्चन होता है कि फैक्टोरियल किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे कि 5 का बोला गया कि फैक्टोरियल निकालने के लिए, 5 का क्या बोला गया, फैक्टोरियल, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है 5 का मल्टी, अगर इसको टोटल को ऐड करते हैं तो 120 होता है। यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये हुआ। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपको बोले हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स 5। एंडिंग इंडेक्स क्या है मेरा, कंडीशन होता है, कंडीशन क्या है 1। एंडिंग ये मेरा एंडिंग हो गया, एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, कंडीशन यानी कि 1।
ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझना होगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या। अब हमें निकालने के लिए एक स्टोर डेटा चाहिए की 150, तो एफ दे देते हैं या कुछ भी क्या करते हैं दे देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया कि जैसे बोला कि फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1 होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स 5, एंडिंग इंडेक्स 1। एंडिंग इंडेक्स को क्या बोला जाता है गाइज, फिर से बोलिए, कंडीशन। स्टार्टिंग इंडेक्स को इंसाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। ओके, यहाँ पे जाके क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। इंट आई इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट आई का वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे, इंट एफ, हाँ जैसे कि हमें 5 का निकालना है, सिंपल हम यहाँ पे ही देते हैं इंट एन इक्वल टू, जैसे 5 का निकालना है तो यहाँ पे 5 के लिए देन कोमा दिए एन, एंड यहाँ पे क्या कहते हैं एफ एक ले लेते हैं जिसका स्टार्टिंग यानी कि कितना से लिए 1 से। ओके, देन यहाँ पे फोर लूप के अंदर में जाएंगे, स्टार्टिंग वैल्यू इंट आई इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा जो मेरा है एन की वैल्यू, यानी कि एन स्टार्टिंग वैल्यू कितना हो गया एन, सेमीकोलन, देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा मेरा 1 तक जाएगा, देन आई क्या होगा प्लस प्लस, सॉरी आई क्या होगा इस बार माइनस में, क्योंकि 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, अगर ऐसे बोले हैं तो डिक्रीमेंट, आपको यहाँ पे बताए थे इंक्रीमेंट का 1, 2, 3, 4 और डिक्रीमेंट का 5, 4, 3, 1, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा माइनस होगा। देन ओपन कर ली ब्रैकेट एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लीकेशन क्या किए आई, देन ओपन क्लोज कर ली ब्रैकेट। अब इसको सेव करके यहाँ पे सिस्टम सिस आउट लिख के, यहाँ पे सिस आउट लिख के, यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस करके, यहाँ पे ऐप को हम क्या किए प्रिंट कर दें, एक बार चेक कर देते हैं, रन पे जाके, रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट 122 आ गया। कैसे आया, तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं कोड को, यहाँ पे अगर गाइज आप चेक करते हैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर कोड को यहाँ पे चेक करते हैं तो मेरा सबसे पहला आई की वैल्यू कितना हुआ एन, यानी कि आई इक्वल टू कितना है आई इक्वल टू एन, यानी कि आई की वैल्यू कितना हुआ 5। यहाँ पे चेक किया एफ का वैल्यू कितना है 1, 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लीकेशन, सॉरी 1 मल्टीप्लीकेशन 5, तो कितना प्रिंट किया 5, मेरा कितना प्रिंट किया 5। देन यहाँ पे आई लेस देन 1 कंडीशन मेरा क्या हुआ ट्रू, आई की वैल्यू 5 से क्या हुआ 4, यहाँ पे कितना है आई की वैल्यू 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 4, इस बार कितना हुआ 20, मेरा कितना प्रिंट किया 20। इसके बाद अगर अगेन जाते हैं आई की वैल्यू कितना हुआ 3, तो यहाँ पे 20 हो गया, इसके बाद 5 इंटू कितना हुआ सॉरी 20 इंटू कितना हुआ 3, तो 122 ऐसे करके क्या हुआ गाइज आपका प्रिंट हुआ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब अगर ओके गाइज, तो आपको फोर लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिन जिन को अच्छे से समझ में आ गया वो कमेंट में लिखे कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आ गया, जिसको नहीं आया है वो लिखे। तो हम क्या करेंगे, एक संडे को जो डाउट क्लास आप लोगों के लिए हम रखते हैं, आपको उसमें हम क्या करेंगे अच्छे से समझा। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें, 3 टाइप बताए थे, पहला बताए थे फोर लूप, सेकेंड बताए थे आपको वाइल, तो अब हम क्या कहते हैं मूव करते हैं वाइल की ओर, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को फोर रूप अच्छे से समझ, तो आपको बताना चाहेंगे गाइज कि अगर आपको फोर रूप समझ में आए तो फोर रूप का सेमेटी जो क्या है वाइर है। अब वाइर में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें क्या चीज़ है, अगर यहाँ पे देखते हैं आप, अगर वाइर का अगर देख रहे हैं वाइर का सेंटेंस देखें, सबसे पहला क्या होता है वाइर में क्या होता है गाइज, सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे वाइर में क्या होता है, इसको रीड कलर करते हैं, वाइर में सबसे पहला क्या होता है गाइज, यहाँ पे कंडीशन होता है, सबसे पहला हमें क्या करना है कंडीशन सिंपल आपको सेम रखना है, देन यहाँ पे ओपन करना है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है, यानी कि इसमें इंसाइजेशन का प्रोसेस जो है नहीं है, आपको इंसाइजेशन का प्रोसेस पहले ही बताना पड़ेगा, देन यहाँ पे कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इतना ही आपको वाइल लूप में, जैसे कि हमने इसके पहले 5 टाइम जो हेलो वर्ड को हमने प्रिंट किए थे या 1 to 5 प्रिंट किए थे, सेम एडिटिड हम क्या करते हैं, जैसे फोर रूप में हमने प्रिंट किए थे सेम आपको वाइड रूप से चलते हैं प्रिंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इक्रिप्स की और चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं और इक्रिप्स में जाके क्या करते हैं 5 टाइम्स, सबसे पहले क्या करते हैं हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं, जैसे कि हमने फोर रूप में प्रिंट किए थे, आपको समझ में आ जाएगा दोनों सेम है। तो सबसे पहले हमें इंट स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से करना है 1 से, ये सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे बताना पड़ेगा, देन यहाँ पे आपको वाइल लिखना पड़ेगा, देन ओपन ब्रैकेट कंडीशन, कंडीशन में हमें क्या चाहिए आई
रेस देन इक्वल टू आई रेस देन इक्वल टू कहाँ तक हमें प्रिंट करना है, 5 तक, देन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करेंगे और सिस आउट लिख के सिंपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। देन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ बोल रहे हैं, नीचे में होगा, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो बताया कोड ये सही है या गलत। जैसे ही चेक करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करता है 5 टाइम। देखिए सेम फोर लूप में क्या होता था, सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन कंडीशन देख क्या होता, सॉरी सबसे पहले होता था इंसर्जेशन देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन, सॉरी पहले इंसर्जेशन देन कंडीशन देन क्या होता था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सेम यहाँ पे भी क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू दिए देन कंडीशन लगाए लास्ट में हमने इंक्रीमेंट, जैसे कि 1 to 5 हमें या 1 to 10 प्रिंट करना है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंडिंग वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 दे देंगे। कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हमें क्या करना है आई को प्रिंट करना है, यहाँ पे आई का क्या करना है प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आई दे देते हैं। देन यहाँ पे सेव करके एक बार चेक कर देते हैं कि मेरा आउटपुट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं तो 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट कर दे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोर रूप और वाई रूप कोई अंतर नहीं है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटेंस की जो कि अभी आपको हमने क्लियर। अगर कोई फोर रूप से बोले बनाने के लिए या आपको वाई रूप से बनाने के लिए उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सेम अभी हमने कोड को अब क्या कहते हैं रिवर्स का, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोले थे कि रिवर्स का यहाँ पे। तो रिवर्स में सबसे पहला अगर लॉजिक की बात करें कि रिवर्स में सर लॉजिक क्या लगाएं, तो जैसे कि एक रिवर्स का कोडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं, अगेन हम यहाँ पे क्या कहते हैं रिवर्स का, जैसे कि रिवर्स मेरा क्या होगा 123 क्या हुआ 123 हुआ, इसका रिवर्स कितना होता है 3 to 1, यानी कि पहले 3 then 2 plus 1, यानी कि मैंने 3 को प्रिंट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे 123 अगर डिवाइडेड बाय कितना से किए 10 से डिवाइडेड करते हैं तो 1 बार में कितना हो जाएगा ये 10 होगा, डिवाइडेड किया 2 मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 20 then 2, यानी कि 20 मेरा रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि सबसे पहला मेरा रिमाइंडर कितना बचा 3, इसके बाद मेरा कितना बचा 12। अब क्या करते हैं अगेन 12 को डिवाइडेड करते हैं 10 से, तो 1 बार में चक खाएगा कितना 10 सॉरी कितना 12, इसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इस रिमाइंडर को यहाँ पे प्रिंट, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहला जो मेरा वैल्यू है उसका रिमाइंडर निकालेंगे देन उसको डिवाइडेड कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हमने कॉन्सेप्ट क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यू होगा एन मोड कितना करना पड़ेगा, जैसे कि अभी जस्ट हम आपको कोड में तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसको क्या कहते हैं यहाँ से कहते हैं, यानी कि हम इसको कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं ओके। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एन का वैल्यू लेते हैं, एन का वैल्यू कितना चाहिए जैसे 123 दे दिए, देन यहाँ पे एक रिवर्स नाम का लेते हैं एन, यहाँ पे और एक लेते हैं रिवर्स, यहाँ पे सेमी कॉलम होगा, देन यहाँ पे रिवर्स और एक रिमाइंडर लेते हैं, जस्ट आपको समझा देंगे कि ये चीज रिमाइंडर इक्वल टू क्या दिए 0 दिए ओके। देन यहाँ पे जाएंगे और सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे वाई लूप का यूज कर देंगे ओके, सिंपल यहाँ पे वाई लूप का यूज कर देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कि एन नॉट इक्वल टू 0। ये कहाँ तक जाएगा, जब एन की वैल्यू मेरा 0 तक नहीं होगा, जब तक ये चलेगा लूप जब तक कि मेरा एंड क्या हो जाना चाहिए गाइज 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहला हमने क्या किया एक रिवर्स में जो वैल्यू स्टोर करेंगे क्या बोल रहे हैं एन मॉडुलस 10, यानी कि सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि रिमाइंडर निकालेंगे 10 से भाग देंगे, तो एन मॉडुलस कितना किए 10 की ओके, एन मॉडुलस कितना किए 10 ओके, हाँ 123 एन मॉडुलस 10 किए। देन यहाँ पे जाएंगे और रिमाइंडर में क्या करेंगे जो मेरा वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस क्या करेंगे जो मेरा रिवर्स में वैल्यू आएगा ओके। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। देन एक बार यहाँ पे बाहर निकल के इसको सिस आउट लिख के क्या करेंगे यहाँ पे हमने रिमाइंडर को प्रिंट कर देंगे। एक बार चेक कर देते हैं कि मेरा आउटपुट आ रहा है, देन हम आपको कोड को एक्सप्लेन कर देंगे ओके। रन पे जाके रन एज पे जावा एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा आउटपुट 1 3 2 1 मैजिक है,
आपको कोडिंग समझने के लिए लोग बोलते हैं कि जावा की कोड जो होते हैं रेंदी होते हैं, नहीं होते हैं गाइज, आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। हमने क्या फॉर लूप को आपको इजी वे में समझा दिए, आपको मेन चीज़ क्या होना चाहिए कि लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा कि आपकी लॉजिक कैसे रीड होता है। अगर एक बार आपको लॉजिक क्रिएट करने आ गया ना तो कोई भी कोड रेंदी नहीं होते हैं। बस आपको क्या करना है, एक बार अपने लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहला अगर यहाँ पे जाते हैं कोड में जाते हैं, इसको पूरी को हमने डिलीट करके आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 123 लिखे हैं, 123 है, एन का वैल्यू कितना मेरा 123, इसको रिवर्स करके हमें कितना कराना है 321। हमने सबसे पहला क्या लिखे, रिवर्स इक्वल टू एन मॉडुलस 3, यानी कि एन की वैल्यू कितना हुआ, रिवर्स में हमने गए, रिवर्स में मेरा क्या है, कुछ नहीं है, रिवर्स में क्या किए एन मॉडुलस 3, यानी कि 123 मॉडुलस 10 करेंगे तो मेरा आउटपुट कितना आएगा 3, जो कि अभी जस्ट हमने समझाए हैं। तो मेरा रिवर्स में कितना आया 3। इसके बाद हमने रिमाइंडर में क्या बोले, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर में मेरा कितना वैल्यू 0, मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 10 और प्लस कितना हो गया 3, आउटपुट कितना आएगा गाइज 0 मल्टीप्लिकेशन 10, 0 प्लस 3 आउटपुट कितना आया 3, मेरा कितना पहला आया 3, ये प्रिंट कर दिया 3। इसके बाद n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, यानी कि मेरा कितना है 123 है डिवाइडेड बाय 10, कितना होगा 12, मेरा n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 12। अगेन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगेन जाएगा रिवर्स n मॉडुलस 10, यानी कि 12 मॉडुलस अगर 10 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 2। ओके यहाँ पे गया, अभी मेरा क्या है रिमाइंडर में 3 है, यहाँ पे 3 है, रिमाइंडर में कितना 3 इक्वल टू कितना आया 3 मल्टीप्लीकेशन कितना आया मेरा 10 और प्लस रिवर्स में कितना आया है मान 2, तो 3 मल्टीप्लीकेशन 10 30 और 2 कितना आ जाएगा 32, इस बार कितना आ गया 32, ये प्रिंट कितना किया 32। इसके बाद यहाँ पे n का वैल्यू मेरा कितना रखे हैं, n का वैल्यू 12, तो 12 फिर डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं 10, तो कितना आया 1, अगेन किया 1, कंडीशन इसके बाद फोर्स हो गया, तो ये 3 2 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स की प्रोग्राम कैसे काम करता है। ओके तो आपको मेन चीज़ क्या गाइज कि आपको सिंपल लॉजिक समझना। एक और आपको यहाँ पे हमने कोड बता देते हैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर उसको बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो 153 क्या होता है गाइज, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर यानी कि 1 का क्यू जोर 5 का क्यू और जो 3 का क्यू, अगर सम करके सेम नंबर आ जाए दिस इज आर्म स्ट्रॉन्ग, यानी कि 1 का क्यू 11 और 5 का क्यू 125, जो 3 का क्यू 27 होता है, 3 का क्यू 27, अगर ये सारे को ऐड करते 153, दिस इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, यानी कि हमें सबका क्या करना है क्यू निकालना है। ओके तो इसी कोड में क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको हमने डिलीट करते हैं, सेम इस कोड को रहने देते हैं और मॉडिफाई क्या करना है गाइज, ये सेम रहना है, हमें क्या करना है क्यू करना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे इसको रखना है और इसके बाद 3 बार हमें क्या करना है रिवर्स, यानी कि क्यू करने के लिए 3 बार क्या करते हैं रिवर्स करते हैं, बाकी चीज़ यहाँ पे सेम रहेगी। एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट वैल्यू इंट टेम्प में रख देते हैं, जो मेरा वैल्यू हो टेम्प इक्वल टू जो इनका वैल्यू हो टेम्प, ओके रख देते हैं। देन यहाँ पे जाएंगे और एक इफ जो कि आपको हमने कंडीशन में बताएं, अगर इफ का वीडियो नहीं देखे तो पहले वहाँ पे हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिए कि टेम्प जो है इक्वल टू किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर है, अगर वो बराबर होगा देन मेरा क्या करेगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, यहाँ पे प्रिंट कर देगा दिस इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके दिस इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके अगर ऐसा नहीं हुआ तो देन यहाँ पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे एस के पार्ट में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा सिस आउट में जाके नोट आर्म स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या करेगा नोट आर स्ट्रॉन्ग कर देगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ओके कोई एरर नहीं शो कर रहा, कंट्रोल स्पेस पर शिफ्ट से हमारा कोड को डिजाइन कर दिए, देन यहाँ पे रन पे जाके रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा मैजिक जो आउटपुट है यहाँ पे नोट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट है। अब क्या करते हैं इसको चेंज करके 53 देते हैं, एक बार चेक कर देते हैं
कि 153 काम कर रहा है कि नहीं, रन पे जाके जब एप्लीकेशन को जैसे क्लिक करेंगे कॉट एड आउट, दिस इज ए आर्मी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये प्रॉपर काम कैसे करते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया कि आर्मी स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए क्या होता है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइज, आर्मी स्ट्रॉन्ग को समझने के लिए कि जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू होते हैं सेम, यहाँ पे 14 क्यों करवा दी हमने, क्या किया इसके बाद कंपेयर करें, दोनों नंबर अगर सेम हो गए तो दिस इज आर्मी स्ट्रॉन्ग नंबर। सेम नहीं हुआ, अगर आपको कोडिंग की अच्छे से नॉलेज चाहिए तो हमारा एक सीरीज है 59 क्वेश्चन की गाइज, आप अगर वो सीरीज कंप्लीटेड करते हैं तो मोस्टली आपको इंटरव्यू का 70-60% इंटरव्यू आपकी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वो आपका सॉल्व होगा। एक बार हमारा प्ले लिस्ट में जाइएगा द प्लेस ऑफ लर्निंग, वहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग बाय सुनील नाम करके होगा, आप उसको क्या कीजिएगा एक बार देखिएगा। तो आपको आई होप आपको क्या हुआ वाई लूप को अच्छे से समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मेरा जो होता है वो होता है डू वाई लूप, वाई लूप आपको अगर इसका कंडीशन हो गया। नेक्स्ट क्या होता है डू वाई लूप, डू वाई लूप का एक खासियत है कि बिना आपका कोड रन किए कम से कम एटलीस्ट एक बार क्या करता है प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है पहले डू लिखना पड़ता है, देन यहाँ पे अपडेट यानी कि कोड को अपडेट करना पड़ता है, देन आपको क्या करना है कंडीशन लिखना पड़ता है। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता रहेगा। तो अब लोग हम क्या करते हैं गाइज, इस कोड को समझने के लिए फिर से हमें इक्विप्स की और के गाइज, तो डू वाइल लूप में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइज, डू लिखेंगे, देन यहाँ पे क्या होता है गाइज ओपन करली ब्रैकेट होता है, देन हमने क्या बोल रहे हैं अपडेट कोड को अपडेट यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है ओके, यानी कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि इंट आई इक्वल टू के यहाँ से हो जाएगा इंट आई इंट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये फोर लूप के बाद नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गाइज, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वन से, आई की वैल्यू वन से, देन यहाँ पे डू लूप लगाएं, डू के बाद क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि सिस आउट लिख दिए, सिस आउट लिख के इसमें जो चीज़ हमें प्रिंट करना है यानी कि आई की वैल्यू हमें क्या कराना है प्रिंट करवाना है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि आई क्या किए प्लस प्लस कर दिए, देन इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे लिखेंगे वाइल, यहाँ पे लिखेंगे अब वाइल ओके, देन यहाँ पे वाइल लिख के जो कंडीशन लगाना है गाइज, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएगा कि आई रेस देन इक्वल टू हमें 10 तक प्रिंट करानी है ओके, यहाँ पे लिखेंगे आई रेस देन इक्वल टू 10। एक चीज़ यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा सेमी कॉलम होगा ओके, सेमी कॉलम। एक बार इसको सेव कर देते हैं, कोड को जाके रन करते हैं, रन पे जाके रन एच करके जावा एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए 1-10 तक क्या किया प्रिंट किया सेम। अगर यहाँ पे कंडीशन मेरा फोर्स का, इसका एक चीज़ खासियत है गाइज कि अगर मेरा कंडीशन भी फोर्स हो जाएगा एटलीस्ट कम से कम एक डेटा को प्रिंट करवा देगा। इसका खासियत क्या है, अगर आपका फोर्स भी हो जाएगा तो एक डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक आई ग्रेटर देन वन की ओके, देन यहाँ पे रन पे जाके अगर हम रन एच करते हैं तो एक डेटा प्रिंट करेगा वन, ये ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा, देन कंडीशन मेरा फोर्स हुआ तो नो मतलब, तो कम से कम क्या करेगा गाइज एक डेटा को प्रिंट करेगा। सबसे बड़ी खासियत डू वाई लूप का ये है कि अगर कम से कम आपका कंडीशन फोर्स भी हुआ तो एटलीस्ट क्या करेगा गाइज एक डेटा को ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा। तो आई होप आपको ये चीज़ डू वाइल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो ब्रेक होता है, नेक्स्ट क्या होता है गाइज ब्रेक यानी कि ब्रेक कैसे काम करता है, तो इस पर एक क्या कहते हैं कोड ब्रेक पे क्या कहते हैं एक कोड यहाँ पे सिंपल सा हम कर देते हैं, अधिक टाइम अब नहीं देंगे। तो इसके लिए जैसे कि हमने फोर लूप का यूज किए ओके, फोर लूप का यूज किए इंट आई को तो क्या किए गाइज इंट आई का वैल्यू कितना दिए वन दिए, आई का वैल्यू कितना दिए वन, देन यहाँ पे समीकरण आई रेस देन इक्वल टू कितना किए 10 दिए, देन यहाँ पे समीकरण आई क्या किए प्लस प्लस किए, देन यहाँ पे ओपन कर दी ब्रैकेट किए, और हमें क्या करना है इसके अंदर में हम क्या किए 5 बार हमें 14 आई को क्या करना है प्रिंट करना है। यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ के बाद क्या लिखे कि आई इक्वल इक्वल टू 5, आई इक्वल इक्वल टू 5 कर दिए, देन यहाँ पे ओपन कर दी और हमें क्या करना है ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे ब्रेक क्या करेंगे लगा देंगे, ब्रेक लगा के देन यहाँ पे ब्रेक से बाहर जाएंगे और यहाँ पे सिस आउट करके, यहाँ पे सिस आउट करके आई को प्रिंट कर देंगे, आई को प्रिंट कर ले, एक बार सेव करके यहाँ पे इंट आई इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा वन से, जिसके कारण एरर शो कर रहा है। रन पे जाएंगे, रन एज पे जावा एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा कितना प्रिंट किया 4
फोर तक की प्रिंट किया, आई इक्वल टू आई की वैल्यू कितना से स्टार्ट हुआ था, वन से, इसीलिए मेरा कितना तक प्रिंट किया, फोर तक। आई होप आपको ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि हमें जैसे 10 तक है बट हमें 5 तक ही प्रिंट कराना है, तो ब्रेक का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा देंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें तो एक और होता है गाइज, वो होता है कंटिन्यू। क्या होता है गाइज, कंटिन्यू, कंटिन्यू का इसमें अगर करते हैं तो यानी कि हमें कंटिन्यू क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो ब्रेक के जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, कंटिन्यू यूज कर देंगे, ओनली फोर कंटिन्यू यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर देंगे। देन यहाँ पे सेमी कॉलम दे के इसको यहाँ पे प्रिंट करके रन पे जाके, रन एच पे जाके जावा एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं तो ये कंटिन्यू क्या करेंगे, वो प्रिंट करा देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यू क्या करेंगे, प्रिंट। यानी कि ब्रेक में क्या होता है, डेटा को ब्रेक कर देता है, बट कंटिन्यू क्या कहता है, ये कंटिन्यूस क्या कहते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो आई होप ये जो टाइप होते थे रूप का, जैसे कि सबसे पहला हमने क्या बताया, फोर रूप, सेकेंड बताए वाई रूप, थर्ड बताए डू वाई रूप, और दो एक्स्ट्रा बताए आपको ब्रेक का यूज क्या होता है, कंटिन्यू का क्या यूज होता है। तो जितने भी टाइप आपको रूप में होते हैं वो सारे के सारे हमने बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचता रहेगा। तो थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चीज़ लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।